देखिए नई बात है, शॉर्टकट में थोड़ी सी वार्ता बताना चाहूंगा। बताते हैं एक समय की बात कि इंद्रप्रस्थ में राजा अंगपाल राज करते थे। उसका एक लड़का था जिसका नाम कारक था, और उधर से राजा ज्वाला सिंह का राज्य था, और जलालाबाद में वो शिकार खेलने के लिए चल पड़ते हैं। बताते हैं उधर से वो लड़का कारक भी शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आया हुआ था। तो उस राजा ज्वाला सिंह ने एक शिकार को अपना निशाना बनाया। तो बताते हैं उस शिकार को उस राजा ज्वाला सिंह से पहले वो राजा कारक निशाना बना देते हैं और उसको शिकार को चुप कर देते हैं। तो राजा ज्वाला सिंह ने सोचा कि भाई तेरे बाद ईशान निशान जी कौन हो गया, तो शिकार को मारा। तो बताते हैं दोनों की वार्तालाप होती है, आपस में बातें करते हैं, और वो राजा ज्वाला सिंह उस कारक से बहुत ही खुश होता है। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम सावड़दे था। वो सावड़दे का डोड़ा खुश होकर उसकी शादी कर देता है, और अब उसकी शादी की तैयारी करता है कि ले भाई तेरी शादी होगी, तेरी गल हम अपनी बेटी ने गाल दें तेरे करा। नुला नहीं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। नुला और कैसे लेके जाएगा? नुला आप इंद्रप्रस्थ में चिट्ठी लिखो, वो चिट्ठी मेरे माता पिता उस चिट्ठी को पढ़ेंगे, फिर उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद पूरी बारात के साथ मैं यहाँ आपकी लड़की को लेके जाऊंगा। तो उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसकी माँ खुशी से झूम उठती है। तो बताते हैं माँ बापू का रंग चन्यारा हो है भाई शादी का। तो एक बात का तुम्हारा पुरानी कविता कैसे दादा दयाचंद मैना ने क्या दर्शाया। बताया कि बेटे के ब्याह मुकलावे की घनी खुशी हो माँ के, हमने भी सुख हो जा कारक बहू लिया कल जाके। तो बताते हैं देख खुशी का दिन होता है, किसे किसे घर में लड़का जन्म नहीं लेना लड़की जन्म ले, उस घर में अंधेरा हो जाता है। कौन सी चीज किस बिन सुननी बताई, और खुशी कैसी बताई, कैसे क्या दर्शाया। देख मेरा बहू का न्यारा तोल दर
सेठाल बहू से चल बहुटी इंद्रा संसा उतरे घर में जब बचे पाल बहू और बताया। पहले समय होता था जब माता पिता अपने लड़के की शादी कर देते थे तो बताते हैं, आज तो फैशन का जमाना है, जब वह नई बहू घर में आ जाती ना तो जो उसकी सासू आया करती वह हार श्रृंगार करने फिक्के पड़ जाते उसके। सोचती अब बहू भी सिंगरेगी सासू भी सिंगरेगी, शोभा नहीं देता। चौथे नंबर पर पुरानी कविता का कैसे जड़ का क्या रस बताया। ओ जिस दिन आ जा बहू मेरे पैसे